देश के वित्त मंत्री जी ने आज सदन में लगभग पौने तीन घंटे का एक लंबा चौड़ा भाषण बजट का दिया है। इस पूरे इतने लंबे चौड़े भाषण के दौरान बेरोजगारी और महंगाई की कोई शब्द सुनने को नहीं मिला है। ये कैसे घटेगा, कैसे इससे सरकार लड़ पाएगी, ये इस बजट में नहीं दिख रहा है। और इस बजट में और एक खास बात यह है कि ये पौने तीन घंटे के दौरान वित्त मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि किस सेक्टर में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। किसके लिए खर्च किए जाएंगे, कहां खर्च किए जाएंगे, कहीं ये चीजें देखने को नहीं मिला। और मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो हमेशा से बजट को टकटकी लगाए देखते हैं, अपनी जेबें टटोलते हैं, अपने जेबें देखते हैं, उन्हें मामूली सा टैक्स रेट में राहत दिया गया है, लेकिन इसके इतर जो कई जगहों पर उनको टैक्स रिलीफ मिला करता था वो सभी काट दिए गए, वो सभी समाप्त कर दिए गए। कुल मिलाकर के मध्यवर्गीय भी आज मुझे लगता है इस बजट से उनको भी हताशा ही मिलेगा। इस बजट में ना दिशा दिखा ना दृष्टि दिखा। हर साल की भांति इस बार भी पूंजीपतियों को राहत देने की बात कर रही है, लेकिन किसान मजदूर के लिए राहत देने में इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। मुझे लगता है इस बजट के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं बल्कि भारतीय बिजनेसमैन पार्टी की ये बजट है।